फितर का त्यौहार कुछ ही देर बाद मनाया जाने वाला है और आप सऊदी अरब में ईद भी हो गई है। संभवतः कल यानी कि 5 जून को जनपद मुजफ्फरनगर में भी ईद मनाने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, मनाई जाएगी। इसी के लिए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जानसठ उप जिलाधिकारी तहसील जानसठ विजय कुमार जी के पास, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कि जानसठ के अंदर क्या सफाई व्यवस्था है, क्या व्यवस्था की है। तो एसएम साहब बताइए, ईद जो होने वाली है क्या क्या आपने तैयारी कराई है इसके लिए? तैयारियों के मद्देनजर मेरे द्वारा जो भी हमारे ईओ हैं, ईओ जानसर, ईओ मीरापुर और नगर पंचायत के ईओ जी, इनके साथ मीटिंग की और मैंने उनको निर्देश दिए गए हैं। एक तो सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें, रास्ते में कोई भी अगर रास्ता खराब है तो रास्ते को सही करा दें, तथा ईदगाह के पास पानी की व्यवस्था रखें, हमारे नमाजियों लोगों को जो है कोई परेशानी ना हो, मैंने सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा समस्त ईदगाहों पर जो है मस्जिदों पर मस्जिद तैनात कर दिए गए हैं और मैं आशा करता हूँ कल जो है शांतिपूर्वक ईद सम्पन्न होगी। एक और समस्या आती है दूध की, खास तौर से तो हमेशा से यहाँ पर पराग वगैरह मूल की गाड़ी आती रही है सरकारी स्तर से भी, तो क्या है कोई ऐसे देश है जिसे आपने किसी कंपनी जिसको दिया है व्यक्ति को दूध के लिए? हम कोशिश यही करेंगे कि आपको मदर डेयरी की दूध मिल जाए ताकि आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, हमारे जानकारी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को दूध की परेशानी ना हो। हम जो है शाम को इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे। माननीय जिलाधिकारी जी के साफ निर्देश है कि कहीं भी खुले में कूड़ा नहीं पड़ेगा और जो कूड़ा डालता है उन्हें चिन्हित भी किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अभी कूड़े नजर आ रहे हैं कुछ जगह पर, इसके लिए क्या आपने कोई मॉनिटरिंग कराई है? मैं ईओ साहब से ये कह चुका हूँ कि किसी भी दशा में खुले में कूड़ा ना पड़ पाए और कूड़े को तत्काल ढक करके उसको डंपिंग ग्राउंड में पहुंचा दिया जाए, ये मैं व्यवस्था सुनिश्चित कराऊंगा। धन्यवाद। ईद के मद्देनजर आपके क्या संदेश है जनपद अपने क्षेत्रवासियों को? मेरा क्षेत्रवासियों से यही संदेश है कि ईद को बड़े उल्लास के साथ मनाएं, सभी साथी, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग इसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में उल्लासपूर्वक मनाएं, यही मेरा संदेश। जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के उप जिलाधिकारी विजय कुमार जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जिला प्रशासन और शासन की मंशानुसार सभी सफाई व्यवस्था पूर्ण कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित ईओ को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, कहीं भी खुले में कूड़ा नहीं डलेगा, बावजूद अगर कहीं कूड़े के ढेर नजर आएंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मॉनिटरिंग कराई गई है, मजिस्ट्रेट सेक्टर मजिस्ट्रेट के अपॉइंट किए गए हैं खासतौर से ईदगाह के स्तर पर, और उन्होंने अपने जनपद वासियों से, खासतौर से क्षेत्रवासियों से आशा की है, उम्मीद जताई है, शुभकामनाएं दी है कि ईद जो है परंपरागत तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द से मनाया जाए। मैं आरिशीष मेहली, चीफ एडिटर बार और बैंक, एन न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ।